और ये जब सारे टेस्ट हो जाते हैं तो फिर लाश ये लेके आ गए। हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, अपने अपने लाइफ में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, चक होंगे। तो हम ये भी एक वीडियो डाल रहे हैं जो कि हमने जिस दिन हम आए थे ना सैटरडे को, मतलब फ्राइडे को हमारी ट्रेन थी और हम सैटरडे को पहुंचे थे। फिर डायरेक्ट फ्राइडे को निकले थे ना, 19 को ही 19 को निकले थे, 18 को निकले थे, 19 को पहुंचे थे। तो आपका 9 बजे से था इसलिए आप भी पकड़ ली अपना ऑफिस और मैं भी मतलब पकड़ ली थी। तो फिर घर आया तो मन नहीं लग रहा था, तो बोले कि चलो चलते हैं मूवी देखने। तो हम लोग गए थे शनिवार को, गए थे मूवी देखने के लिए। वो ब्लॉग हम आज डाल रहे हैं, सो सॉरी। क्योंकि तो ऐसा कुछ ऐसा आपने ब्लॉग देखा जो टीनी स्मरा ब्लॉग जो आ रहा था वो जरूरी था दिखाना भी, और अगर ऐसा रहा कोशिश अगर नहीं सुधारा गया उनको तो हम आगे भी डालेंगे। तो गाइस और लेट ना करते हुए ब्लॉग को हम कंटिन्यू करते हैं, तो देखिए और कमेंट में बताइए कि आप सबको भी कैसा लगा और आप सब भी जाके जरूर देखिएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है और बिस्तर का इधर तो उधर हो चुका है। ट्रेन चल रही है अपने स्पीड में, बस टाइम से पहुंचा दे तो मैं भी अपना स्कूल और ये अपना ऑफिस ज्वाइन कर लें, है ना। ले लिए हैं चाय, चाय पीने जा रहे हैं, पी रहे हैं इतना बड़ा नमकीन। सगरपाला? अच्छा नहीं, इसे खस्ता नमकीन बोलते हैं। कैसा लग रहा है? जबरदस्त। गाइस आ गए हम गाजियाबाद, ये है गाजियाबाद स्टेशन। हमारी ट्रेन यहाँ रुकेगी नहीं, यहाँ से चल जाएगी, ए डी एम ओ ए रुक जाएगी। ये गाजियाबाद, गाइस गुड इवनिंग। मैं सो के उठ चुकी हूँ, ओके गया, मतलब इतना हालत ख़राब हो गया। आपको वीडियो दिखा नहीं पाया हम लोग स्टेशन से उतरे तो, क्योंकि मेरा भी हाथ फंसा हुआ था, इनका भी हाथ फंसा, ये तो बोरी लिए थे और भाग भाग के कैसे करके आए। फिर मैं भी स्कूल अटेंड की हूँ, ये अपना ऑफिस अटेंड किए, अभी जस्ट आ रहा है, पहुँच रहा हूँ गाइस तुरंत, अभी कुछ ही पल हुआ है मैं पहुँच रहा हूँ। इनको ये वाला ऑफिस वालों ने जैकेट दिया था तो मैं जैकेट को चेक कर रहा था कि कैसा है, तो कह रही हैं कि बहुत अच्छा है। आप लोग भी बताइएगा कमेंट में कैसा है। और अभी तो पहना हुआ आप लोगों ने देखा नहीं, आपको ऐसे दिखा देता, ये देखो। अरे अच्छा है स्पोर्ट। तो कह रहे हैं कि चलो मूवी देखने दृश्यम, काफी लोग जा रहे हैं देखने, कह रहे हैं कि ये उंगली यही उठता है। तो देखते हैं हम भी ऐसा क्या है दृश्यम 2 में जो दृश्यम में नहीं था, काफी इम्प्रूवमेंट आया है सुन रही हूँ। उंगली उठता मतलब? मतलब लोग कह रहे मतलब मस्त मूवी है। कौन बोला है? कई लोग बोले हैं। किसमें? तो देखते हैं मैं भी थोड़ा बहुत जग जाऊं और होश में आ जाऊं और उसके बाद में फिर बिस्किट खाए भी नहीं। तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में, या तो फिर रेडी होके मिलते हैं। तो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी और हो गए रेडी, अब चलते हैं
और दिखाते हैं आप लोगों को, जहाँ जाएंगे वहाँ दिखाएंगे। देखिए कौन से मॉल, क्राउन टेरियल है ना, रिलायंस मॉल ही जाएंगे क्योंकि वही नज़दीक पड़ता है हमारे। हालत बुरा है लेकिन अब टिकट करके आ गए तो जाना है, मतलब ऑफिस में ही टिकट बुक हो गया इनका, मन नहीं कर रहा है जबरदस्ती जाना पड़ रहा है। तो चलते हैं गाइस, हम भी हो गए हैं रेडी बिल्कुल, और अपना मैं ब्लैक वाला घड़ी पहन के तो चलते हैं, फटाफट निकलते हैं। एंट्री कर दिए कहाँ पे, हल्दीराम में बस ले रहे हैं छोले भटूरे, यहाँ पर्ची कटवा रहे हैं, पर्ची कटवा रहे हैं पर्ची, उसके बाद वहाँ मिलेगा। तो अब तक हम बैठते हैं और लाने देते हैं उनको, तो ले लिए हैं छोले भटूरे, पर्ची मिल गया खाते हैं। टाइम हो गया है साढ़े, मतलब अभी 20 मिनट बाकी है, फटाफट निकलते हैं अभी खा करते हैं। अभी बुलाएंगे ना वहाँ से, लोकेशन भी चेंज हो गया, पहले ये वाला जो था सीट ये यहाँ पे था, अब वहाँ कुछ और लग गया है। देखिए सबसे अच्छा लग रहा है चेयर का कलर, पहले अजीब सा था है ना, अब अच्छा लग रहा है। ये लेके आ गए, बड़ा जल्दी बन गया, जो ये सब देते है ना इतना गाढ़ा नहीं रहता और बड़ा वाला छोला भी नहीं रहता यहाँ, मतलब कई लोग बोले कि छोला नहीं छोले है, लेकिन अब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मेरे यहाँ कई ऐसे बैनर मिले जहाँ छोला भटूरा लिखा हुआ था, कोई नहीं छोले भटूरे खाते हैं, एंजॉय करते हैं। अगर जी जी को खाना हो आ जाए, बाद में नहीं कहना बुलाए नहीं, आना कहाँ है, क्राउन टेरियल। तो मैं भी खाती हूँ, उसके बाद मिलते हैं फिर आपको चल के अंदर सिनेमा हॉल। गाइस आ गए लिफ्ट के पास में, और लिफ्ट आने वाली अभी, अभी ओपन नहीं हुआ है, अभी होने वाला है ओपन, आ गए लिफ्ट अपनी। बुढ़िया देख रही है यहाँ से, तो गाइस ये देखिए दृश्यम 2 देखने के लिए कितने लोग जुटे हैं, काफी भीड़ है। शो खत्म नहीं हुआ है इसलिए, अच्छा बस होने वाला है 2 मिनट में, भीड़ देख के आप लोग समझ सकते हैं कि मूवी ज्यादा अच्छा है। अब ये तो हमें देखने के बाद ही पता चलेगा, लोग तो वैसे कह रहे हैं अच्छा है, इसका रिव्यू हम लोग देखने के बाद बताएंगे आपको। देख सकते हैं ना भीड़ है, तो गाइस अपना सीट हम देखते हैं और बैठते हैं। कहाँ पे कहाँ पे, खोजी खोजी। हाँ तो गाइस हमारा सीट मिल गया है, हम बैठे हैं और ये निकाल देती हूँ मैं भी, क्योंकि यहाँ ब्लोअर चल रहा है, गर्मी लग रहा है। मैं मेरा बीवी का बर्थडे भूल सकता हूँ लेकिन 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को नहीं भूल सकता। दुआ कर मिल जाए, नहीं तो तुम्हें मुमताज बनाकर यहीं पे दफना दूंगा। आपने ये रिपोर्ट देखी नहीं थी क्या? और मुझे बताया गया था कि ये रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, मुझे आपके आईजी से बात करनी है। यस सर। तो गाइस ये है हाईवे, मथुरा हाईवे, इधर से गाड़ी जा रही है और इधर से गाड़ी जा रही है, और हम लोग चलते हैं घर के लिए। मूवी देख लिया हमने, लेकिन मूवी वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त है, इसका रिव्यू घर पहुंच के देते हैं आपको। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं घर पे, कमरे पे आ चुके हैं, और मूवी बहुत ही जबरदस्त है, तुम कैसा बोलना चाहोगे? बहुत ही झक्कास फाड़ू, ये तो पहला पार्ट देखी भी नहीं है, फिर भी पहला पार्ट नहीं देखी, लेकिन उसमें कुछ कुछ सीन दिखाया गया है ना, इसलिए समझ में
समझदार ही लोग समझते हैं तो इनको समझ आएगा पहले पार्ट। आप जैसे लोग को पहला मूवी देखना पड़ा होगा, मुझे नहीं देखना पड़ा, मुझे सब सीन समझ में आ गया। और लास्ट में जो ट्विस्ट था ना, गजब का था सच में। आप लोग भी देखिए, बहुत ही जबरदस्त मूवी है। कोई नहीं कहेगा कि मतलब एक पल के लिए ऐसा होता नहीं, पहले पार्ट में भी जबरदस्त ट्विस्ट, लास्ट में पहले पार्ट में भी। लेकिन वाकई में गाइस बहुत बेहतरीन मूवी है, बहुत बेहतरीन मूवी है, जरूर जाके देखिएगा। सिनेमा हॉल पूरा बुक था, दृश्यम 2 इतना भीड़ देखा ही आपने, कितना सीट नहीं खाली था। और जैसे मूवी खत्म हुआ ना, तीसरा शो के लिए लाइन लगा था 12 बजे भी। हमको आए हुए 11:30 हो गए, अभी आए 15 मिनट हुआ। तो गाइस जबरदस्त मूवी है, इसका रिव्यू आपको अगर देना होगा मैं रिव्यू, तो 10 में 10 पूरा ले जाइए। बेहतरीन मूवी है, बेहतरीन मूवी है। तो गाइस चलते हैं वीडियो को, अभी यही करते हैं और हम लोग चलते हैं अब सोने के लिए। वीडियो थोड़ा एडिट होगा क्योंकि 12 बजे आप लोगों को देखना पड़ेगा, तो एडिट करेंगे और उसके बाद सोते हैं। तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत। और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। और एक चीज और आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि वैसे तो पता होगा काफी लोगों ने मतलब कुछ लोगों को ही पता होगा, लेकिन मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा जो इंस्टाग्राम पे एक रील था वो वंशिका हापुर जी के साथ में था, वो वायरल हो गया है और वो 3 लाख के पार है इस समय अभी तो, और मतलब चले ही जा रहा है। बस आप लोगों का आशीर्वाद रहे तो और आगे जाएगा, और आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रहे। और सब चलते हैं अब सोने, बाय बाय, गुड नाइट।